बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम। स्टूडेंट्स ऑफ ताबत तारी आपसे मुखातिब हूँ। आप लोगों को एक आध चीज़ जो है वो अपडेट करनी थी, तो तवज्जो से देखिएगा ज़रा। पहली चीज़ ये कि आप लोगों के बी कॉम पार्ट वन और पार्ट टू के जो एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए एडमिशन हो रहे हैं उसकी आज लास्ट डेट थी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उस डेट को एक्सटेंड कर दी है। अब वो जो आपकी डेट है वो है 15 मार्च 2024 आपकी लास्ट डेट है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के बी कॉम पार्ट वन और बी कॉम पार्ट टू के एनुअल एडमिशन के लिए। दूसरा ये है कि इसकी जो फ़ी है वो 11,030 रुपये है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमने फलां जगह से एडमिशन भेजा था तो हम रेगुलर स्टूडेंट हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। रेगुलर स्टूडेंट सिर्फ वही स्टूडेंट कहलाता है जो किसी ऐसे अदारे में पढ़ रहा हो कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से एफिलिएटेड हो, ठीक है जी। इसके अलावा मेरा बेटा आपको मैंने बताना ये था कि जो स्टूडेंट्स अभी पेपर दे रहे हैं सप्लीमेंट्री और वो वेट कर रहे हैं कि शायद हम लोग पास होंगे तो उस वक्त हमारे लिए यूनिवर्सिटी दोबारा डेट जो है वो देगी हमें कि जनाब आप एडमिशन अपना भिजवा दें, तो ऐसा नहीं है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो बी कॉम पार्ट टू का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो फ़ौरन से अपने एडमिशन को प्रोसेस करें, चाहे वो बी कॉम वन में एक सैप्ली लेके बैठे हुए हैं या उनकी चार हैं। कोशिश करें कि उनकी सैप्लीज क्लियर हो जाए ताकि किसी किस्म की कोई कम्प्लिकेशन ना हो। और साथ में ये है कि अगर फ़र्ज़ करें उनकी सैप्ली दोबारा आ भी जाती है और वो सैप्ली होती है एक या दो, तो फिर तो उनको मसला नहीं होगा, वो ईजिली जो है वो पार्ट टू के पेपर भी देंगे और अगर उनकी दोबारा से कोई सैप्ली आई हुई तो उसके पेपर भी जो है वो दे देंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की दो से ज़्यादा सैप्लीज हुई फिर कम्प्लिकेशन हो सकती है, लिहाजा आप कोशिश करें कि आप एक तो आप सैप्ली से बचें, अच्छे से पेपर तैयार करके दें, और दूसरा यह है कि आप लोग अपने पार्ट टू के एडमिशन को प्रोसेस कर दें। तो मज़ीद इंशाल्लाह जो भी इस हवाले से अपडेट हुई तो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।